During the like the use of the effects like the bomb explosion was very good. Wonderful. तो जैसे मैंने उनका इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने ये बोला है कि इस मूवी के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने गीता पढ़ी थी. Out of 5, I'd give it a 10. It was a great movie. It was a great experience, and yeah, I liked the movie. Out of 5, 6. मैं तो actually medical student हूँ तो मेरे लिए तो ठीक ही था. 10/10, like just mind blowing everything. So hello and welcome back to channel once again. News Buff में आपका स्वागत है. और जैसे कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं US सिनेमा में जो कि है इंदिरापुरम इरोज मॉल में, और हम करने आए हैं इस बार क्रिस्टोफर नॉलन का सबसे बेहतरीन सिनेमा मतलब ओपन हैमर का जो है रिव्यू. और क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे को ज़्यादा रिस्पांस रहता है, फ्राइडे को किसी रीज़न से कर नहीं पाए थे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. और किस तरीके के लोगों ने पसंद किया और क्या सभी तरह के लोगों को ये फिल्म पसंद आने वाली है, एक बार आप सुन लीजिए. हाँ, मतलब थोड़ी सी ऑब्वियसली थोड़ी सी मतलब सेरेब्रल तो है, बट इट्स अ वेरी नाइस मूवी. आउट ऑफ 5 आईड गिव इट अ 4.5. इट्स अ वेरी नाइस मूवी. क्रिस्टोफर नॉलन का सिनेमा कैसा लगा? काफ़ी सही था. जो उसकी डायरेक्शन, किलियन मर्फी जो एक्टर थे इसमें, उसकी एक्टिंग भी काफ़ी सही थी. 5.5. इट वॉज गुड. व्हाट अबाउट किलियन मर्फी? हिज एक्टिंग वॉज वेरी गुड. सो एनी सिनेमा अबाउट द क्रिस्टोफर नॉलन, मतलब बहुत अलग सिनेमा था इस बार. I think the like the use of the effects like the bomb explosion was very good, and I believe that the second half was like much more conclusive as the first one was his character development. What about Robert Downey? His acting was also just brilliant, on par with Cillian Murphy. Out of 5, I'll give it like 4.9, 4.8. How was the cinema? Wonderful. It was really good. So what about Cillian Murphy? His acting was really good, and अगर आप उनकी preparation देखेंगे तो जैसे मैंने उनका interview देखा था तो उन्होंने ये बोला है कि इस movie के preparation के लिए उन्होंने गीता पढ़ी थी, and उनका जो mindset पूरी movie के through दिखा है, it was really nice. And जो other actors like Robert Downey Jr. and जो Mrs. Oppenheimer का जिन्होंने role किया है, they all were terrific, and overall the movie was really fine. Out of five, I'd give it a 10. It was really good. Thank you. गजब मूवी है. एक बारी मैं तो दोबारा देखना चाहूँगा. खैर, इट वॉज अ ग्रेट मूवी. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड या आई लाइक द मूवी बहुत ज़्यादा. मैं घर से तो इसके बारे में कुछ पढ़ के भी आया था यूजुअली, एंड मेरे को मैंने कहा सुना था कि पढ़ के जाओ तो दोबारा समझ आएगी मूवी. तो यस, माय सजेशन वुड बी आप पढ़ के आना, यू विल गेट टू नो मच बेटर अबाउट द मूवी. दैट इज ग्रेट, ग्रेट अमेजिंग एक्टिंग, मैन अमेजिंग एक्टर. आउट ऑफ 5, 6. मैम, हाउज़ द फिल्म? नॉट वर्थ द हाइप. द सेकंड पार्ट, द सेकंड आफ्टर द इंटरवल, इट वाज मच बेटर, बट द फर्स्ट हाफ वाज लिटिल बिट स्लो एंड टू मच फिजिक्स. अबाउट किलियन मर्फी, रेड पिंक पैंथर एंड ऑल, इट वाज बेटर. रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत अलग अंदाज में थे. हाँ, काफ़ी अच्छा था. मैं तो एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए तो ठीक ही था, बट हाँ, अगर किसी को नहीं पता है, आइडिया नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. 3, 3.5. अमेजिंग. इट वॉज रियली नाइस. Like it was unexpected, but the directing and the cinematography, everything was great. I am from like commerce background, so it's like I was able to understand everything, but yeah, it was just really good. Like 10/10, like just mind blowing everything. Christopher Nolan का बहुत अलग cinema था इस बार का, पहले से compare किया जाए तो. हाँ, इट वॉज लाइक वही ना, डायरेक्टिंग बहुत यूनिक करी उन्होंने, बट ओवरऑल इट वॉज लाइक जस्ट अमेजिंग टू वॉच. लाइक 3 hours, इट वॉज वर्थ इट. लाइक इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड, आई वॉज नॉट एबल टू रिकोगनाइज हिम स्टार्टिंग में, बट देन आई रिकोगनाइज हिम लेट. हाँ, इट वॉज रियली गुड. तो वही 5 एक्चुअली. हाँ, थैंक यू. सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. आई होप वीडियो आपको पसंद आया, और ये रिव्यू देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फिल्म कैसे होने वाली है. और फिल्म जब रिलीज़ तो हो ही गई है, वीकेंड पे मतलब भीड़ और मैस तो जो है क्रिएट होने वाला है. आप देखने वाले हैं, और आपने अगर देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे. सभी बता रहे हैं कि क्रिस्टोफर नॉलन की अब तक की सबसे बेस्ट सिनेमा जो है इसमें देखने को मिलेगा, बहुत ओरिजिनल सिनेमा देखने के लिए आपको मिलेगा. सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. आई होप वीडियो आपको पसंद आया. सो फिल ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे. थैंक यू सो मच.